नमस्ते, मेरे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, तकलीफें कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। लॉकडाउन का पीरियड 21 दिन से 40 दिन का हो गया है, लेकिन आपको बोरियत महसूस नहीं करने दूंगा। क्यों? कि जब हम पढ़ाई में लग जाते हैं तो हमारा ध्यान फिर पढ़ाई पे ही होना चाहिए, बाकी क्या हो रहा है हमें उस सबको भूल जाना चाहिए। खास करके क्लास 12 के स्टूडेंट, मैंने जिन्हें इस साल बोर्ड देना है, तो मैंने आपको यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 2 से शुरू किया था, और यूनिट 2 में मैंने आपको बताए थे कि वहां दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 मनी जो कि खत्म हो चुका है, अब चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग वो शुरू करने वाला हूं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बैंकिंग चैप्टर को आपकी सुविधा के लिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। आज हम पढ़ेंगे बेटा कमर्शियल बैंक के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं बेटा कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। कमर्शियल बैंक होती क्या है? कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हिंदी में हम लोग वित्तीय संस्थान भी कहते हैं। वित्तीय संस्थान, खैर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जानिए। तो कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपुल एंड ऑफर्स लोन एंड एडवांसेस टू जनरल पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक क्या है? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है, जिनका मुख्य काम क्या होता है? जनरल पब्लिक से उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना मतलब होता है उनकी सेविंग्स को एक्सेप्ट करना, और उस डिपॉजिट को ऐसे पब्लिक को देना जिनको उनकी जरूरत है। और किस प्रकार से देते हैं? लोन के रूप में या एडवांसेस के रूप में। क्यों देते हैं? आइदर उनके कंजम्पशन को पूरा करने के लिए या उनके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और इस दो के पीछे उनका जो मेन लॉजिक क्या होता है? विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। तो कमर्शियल बैंक क्या है? दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू द जनरल पब्लिक फॉर देयर कंजम्पशन एंड देयर इन्वेस्टमेंट विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। अब आप बोलोगे कि बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस टू द पब्लिक, इससे वो प्रॉफिट कैसे कमाती है? देखो बेटा, जो बैंक्स होती हैं, जब हम उसमें पैसा जमा करने जाते हैं तो हमें उसपे वो बैंक्स इंटरेस्ट देती है। सिमिलरली जो बैंकों के पास आते हैं लोन्स देने के लिए, एडवांस देने के लिए, उनसे बैंक इंटरेस्ट लेती है। तो जो देने का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट पे, वो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल 4% to 6% वेरी करता है, और अभी कोरोना के दौर में तो ये इंटरेस्ट रेट घट गया है। सिमिलरली जो लोन और एडवांसेस कमर्शियल बैंक देती हैं जनरल पब्लिक को फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस, उस पर वो जो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं वो कहीं ज्यादा चार्ज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट दे रही है 4%, और लोन्स ऑन एडवांसेस पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 10%। माने उनको देना कितना पड़ रहा है? 4%, और वो ले कितना रही है? 10%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 6%, वो कमर्शियल बैंक्स का प्रॉफिट होता है। और उसको एक शब्द में उसे कहा जाता है स्प्रेड। और ये स्प्रेड क्या होता है? ये दो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है, द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन लोन्स एंड एडवांसेस माइनस इंटरेस्ट रेट गिवन ऑन डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है
यही मेन प्रॉफिट होता है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक्स के एग्जांपल के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ये सभी जो बैंक्स हैं ये सभी कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब मेन चीज आती है एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं? डिपॉजिट बेटा टाइप चार प्रकार के होते हैं, सेविंग डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट जिसको कि हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको कि हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, और एक चौथा होता है बेटा रेकरिंग डिपॉजिट। देखो जब कोई इंडिविजुअल अपना अकाउंट बैंक में खुलवाने जाता है, इंडिविजुअल जैसे मैं हुआ, आप हुए, तो वहां पे उनका खुला जाता है सेविंग अकाउंट, और जो सेविंग अकाउंट में जनरल पब्लिक पैसा डिपॉजिट करती है उसे हम कहते हैं सेविंग डिपॉजिट। लेकिन कोई फर्म, कोई बिजनेस फर्म यदि बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जाती है तो वो सेविंग डिपॉजिट नहीं खुलवा सकती, उसके लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? करंट अकाउंट डिपॉजिट जिसे हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। तीसरा है बेटा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को हम लोग टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, इसमें इंडिविजुअल भी अकाउंट खोल सकते हैं और बिजनेस फर्म भी अकाउंट खोल सकते हैं। और चौथा आता है रेकरिंग डिपॉजिट। अब ये क्या है इनके बारे में मैं चल आपको डिटेल में बताऊंगा। सेविंग डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट में फर्क क्या होता है? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो इंडिविजुअल्स हैं वो ही खुला सकते हैं, और जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है वो सिर्फ बिजनेस फर्म्स और बिजनेस मैन ही खुला सकते। सेविंग डिपॉजिट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। एक रेस्ट्रिक्शन होता है नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ विड्रॉल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, माने आप एक पर्टिकुलर पीरियड फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में आप कितने बार उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने बार पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होता है। उससे ज्यादा आप करेंगे तो आपको पेनल्टी लगती है, आपको फाइन लगता है। जबकि करंट अकाउंट डिपॉजिट जो होता है यहाँ पे विड्रॉल एंड डिपॉजिट की कोई सीमा नहीं होती है, आप जितने टाइम डिपॉजिट करो जितने टाइम विड्रॉल करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा डिफरेंस होता है बेटा सेविंग डिपॉजिट में, दैट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में यदि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो आपको उस पर बैंक इंटरेस्ट देती है, माने यहाँ आपको इनकम होती है। जबकि करंट डिपॉजिट में आपका पैसा कितना भी पड़ा रहे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग डिपॉजिट में नंबर ऑफ विड्रॉल लिमिटेड होते हैं, लेकिन करंट अकाउंट डिपॉजिट में नंबर ऑफ विड्रॉल एंड नंबर ऑफ डिपॉजिट अनलिमिटेड होते हैं। अब आते हैं हम बेटा तीसरे पॉइंट पे, फिक्स डिपॉजिट जिसको कि हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। ये ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें हम पैसा एक लंबे पीरियड के लिए रख देते हैं, और यहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट मिलती है वो सेविंग डिपॉजिट की तुलना में ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सेविंग डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, तो यहाँ आपको मिल रहा है 7%, 8%। लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है कि वो पैसा जो है आपने जितने टर्म जितने पीरियड के लिए डिपॉजिट किया है आप उसके पहले नहीं निकाल सकते। ये जो मैं बोल रहा हूँ नहीं निकाल सकते हैं ऐसा नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है उस पीरियड के बाद ही निकाला जाएगा, तभी आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो उसके संग ऑफर किया गया। अब मान लो किसी को इमरजेंसी पड़ जाती है और उसका पैसा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में है तो क्या वो अपना पैसा नहीं निकाल सकता है? निकाल सकता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ऑफर किया गया था फिक्स डिपॉजिट पे उससे कहीं कम रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और चौथा जो होता है रेकरिंग डिपॉजिट, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स ड्यूरेशन पे हर महीने या हर 15 दिन पे या हर वीकली या डेली हम जमा कर सकते हैं, और ये भी एक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इसमें फायदा ये होता है कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं
या इंडिविजुअल्स है जिनको रेगुलर आय होती है और वो सेविंग करना चाहते हैं, तो एक मिनिमम अमाउंट हर एक इंटरवल पे इस अकाउंट में डिपॉजिट करते रहते हैं। और ये अमाउंट इन्हें कब मिलता है, जिस पीरियड के लिए इन्हें किया, मान लो इन्हें 2 साल के लिए किया है तो 2 साल के बाद मिलेगा, 3 साल के लिए किया है तो 3 साल के बाद मिलेगा। यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग डिपॉजिट के रेट से ज्यादा होता है लेकिन फिक्स डिपॉजिट के रेट से कम होता है इसका। तो इन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके दो मेन काम होते हैं, दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया डिपॉजिट कितने टाइम के होते हैं, और दूसरा होता है टू ऑफर लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये अब आते हैं बेटा, ये लोन्स एंड एडवांसेस कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है कैश क्रेडिट, जिसको कि हम सीसी लिमिट के नाम से भी जानते हैं और जिसको हम वर्किंग कैपिटल लोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, बिजनेसमैन को लोन दिया जाता है। देखिए एक बात आप सुन लो बेटा, जो बैंक्स होती हैं आपको लोन या एडवांसेस देती हैं तो बदले में आपसे कुछ गिरवी रखवा लेती है, और उस गिरवी रखवाने को हम क्या बोलते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी। बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के बैंक्स हमें लोन नहीं देती। तो ये जो पहला है लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में कैश क्रेडिट, जिसे हम सीसी लिमिट भी कहते हैं और जिसे हम वर्किंग कैपिटल लोन भी कहते हैं, ये लोन बैंकें देती हैं। और इसके अगेंस्ट में जो कोलैटरल सिक्योरिटी रखती हैं वो यूजली क्या होती है, उन बिजनेसमैन का स्टॉक। दूसरा आता है बेटा डिमांड लोन्स और टर्म लोन्स। इसमें क्या होता है, अच्छा पहले सुन, कैश क्रेडिट सीसी लिमिट और वर्किंग कैपिटल लोन में आपको एक अमाउंट सैंक्शन किया जाता है और वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको आप चेक के द्वारा निकाल सकते हैं और जितना आपने पैसा यूज किया है उसी पैसे पे ब्याज लगती है, जो पैसा आपने यूज नहीं किया है उस पर ब्याज नहीं लगती है, दैट इज उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। दूसरा आते हैं डिमांड लोन्स और टर्म लोन्स, इनको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स बोलते हैं। ये बैंक किनको देती है, बिजनेसमैन को देती है। किस चीज के लिए देती है बेटा, टू परचेस फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपका बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरीज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए ये डिमांड लोन दिया जाता है, और ये डिमांड लोन जो होता है इसका रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है, इसका रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है। और कितनी इंस्टॉलमेंट में होगा, जब आपको बैंक लोन देती है तभी बता देती है। और इस टाइप के लोन के अगेंस्ट में, दैट इज डिमांड लोन और टर्म लोन के अगेंस्ट में, जो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है जो कि बैंक हमसे मांगती है वो क्या होती है, जिस फिक्स्ड एसेट्स के लिए उसने हमें लोन दिया है परचेस करने के लिए, उस फिक्स्ड एसेट्स को ही गिरवी रख दिया जाता है। और तीसरा आता है बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स, जिसको कि हम लोग पर्सनल लोन्स भी कहते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल को कोई कार खरीदनी है, किसी इंडिविजुअल को कोई स्कूटी खरीदनी है, किसी इंडिविजुअल को कोई मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो उसके लिए जो लोन दिए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स और पर्सनल लोन्स कहलाए जाते हैं। इन लोन्स पे बेटा कोलैटरल सिक्योरिटी देना कोई जरूरी नहीं होता है, किसी की गारंटी दे दें, आजकल तो गारंटी भी नहीं ली जाती है, आपका यदि क्रेडिट स्कोर सही है उसके आधार पर ये आपको दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ये पर्सनल लोन पे ही लगता है इसको।